हाँ तो भाई, पिछले वीडियो में इतने खतरनाक रेस्पॉन्स के बाद मैं और खुद को रोक नहीं पाया और मैं आ गया आज एक और नया गेम प्ले लेके। और ये वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में होगा, तो मैं लेता हूँ अपना टीम न्यूजीलैंड। मैं चलता हूँ, बॉलिंग करता हूँ, ठीक है? देखते हैं वो लोग कितने रन बनाते हैं वेस्ट इंडीज़। तो आपको पता ही होगा वेस्ट इंडीज़ तो बहुत ही फेमस टीम है और पहले के ज़माने में वो बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन अभी यहाँ पर मैं आ गया हूँ न्यूजीलैंड का बॉलर, तो मैं अभी उनको जल्दी से आउट कर दूँगा। ये करते हैं अपना पहला बॉल और आगे की तरफ फेलते हैं। बॉलर का मूवमेंट एकदम रियल है, ये गेम खतरनाक गेम है। यहाँ पे पहले बॉल पे चौका तो नहीं होना चाहिए, चलो कोई ना कोई फील्डर पहुँच ही जाएगा। यहाँ पे दो रन के साथ वेस्ट इंडीज ने शुरुआत किया है, देखते हैं अभी इस बॉल पे कैसे वो लोग शॉट खेलते हैं। अरे बाप रे, तो घुमा के छः मार दिया है, वाह शॉट देख के मुझे मजा आया। चार बॉल बाकी है और यहाँ पे आठ रन दो गेंदों में उन्होंने कर लिया है फिर से। चलो यहाँ पे एक रन ही होगा शायद, हाँ एक रन ही हो रहा है। यहाँ पे एक रन के साथ तीन गेंदे और सात आठ नौ रन किया है वेस्ट इंडीज़ ने, तो नौ रन तो मैं हंसते खेलते कर सकता हूँ। तो अभी देखते हैं यहाँ पे चौथे गेंद पे क्या होता है। ओहो चौका होगा क्या? नहीं चौका नहीं होगा, फील्डर है यहाँ पे, पहुँच जाएगा आसानी से। और फील्डर ने कर दिया है कीपर की तरफ थ्रो और दो रन लिया है सिर्फ। तो चौथे गेंद पे और दो रन हुआ है और इसके साथ दो बॉल बाकी है, ग्यारह रन तो आसानी से हो जाएगा। और अभी यहाँ पे क्या चौका? नहीं नहीं नहीं, फील्डर दौड़ रहा है, पकड़ लेगा शायद, बॉल के साथ रेस चल रहा है, लेकिन बॉल नहीं जीतेगा, फील्डर ही अपना जीत जाएगा। यहाँ तेरह, अभी चार रन और ऐड कर लेते सत्रह। तो छः गेंदों में वेस्ट इंडीज़ का स्कोर है 17 रन और न्यूजीलैंड को जीतने के लिए करना पड़ेगा छः गेंदों में 18 रन। तो देखते हैं छः गेंदों में 18 रन कैसे कर लेते हैं। यहाँ पे बॉलिंग कर रहा है जेसन होल्डर और यहाँ पे कॉनवे आए हैं बैटिंग के लिए, और कॉनवे को मैंने अपनी टीम में भी ले लिया है, ठीक है? कैमरा एंगल चेंज कर लेते हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक भी है ना, इस बॉलिंग एक्शन को रखते हैं। अच्छा पहली बॉल यहाँ पे, ओ रिस्की जोन था, मिस हो गया। शॉट मैंने अच्छा खेला था लेकिन बॉलिंग यहाँ पे लाजवाब बॉलिंग कर दिया था यहाँ पे बॉलर ने। पांच गेंदे 18 रन और यहाँ पे टाइमिंग के साथ, सुंदर टाइमिंग के साथ चौका बटोर लिया है। पहली बॉल पे नहीं हुआ लेकिन क्या हुआ, दूसरे बॉल पे यहाँ पे चौका मार लिया कॉनवे ने। अभी चलो देखते हैं चार गेंदे और 14 रन कैसे करते हैं न्यूजीलैंड का टीम। दूसरा ही बॉल यहाँ पे छः मिल जाना चाहिए और नहीं, यहाँ पे आगे ड्रॉप गिर गया और चौका मिल गया। तो यहाँ पे तीन गेंदे और न्यूजीलैंड का स्कोर 8 रन हो गए हैं। अभी तीन गेंदों में और 10 रन चाहिए, तो यहाँ पे तीन गेंदे 10 रन, मैच थोड़ा इंटेंस होने वाला है लग रहा है, तो देखते क्या होता है। ओहो हो डायरेक्शन सही है, लेकिन यहाँ पे फील्डर भी यहाँ पे मौजूद है और फील्डर के हाथ पे तो 2 रन से ज़्यादा तो इसमें नहीं मिलेगा। अभी दो गेंदे और 8 रन बाकी है, तो दो गेंदों में 8 रन क्या होगा? पता नहीं भाई ये क्या होने वाला है। दो गेंदों में 8 रन चाहिए, हो जाना चाहिए। और यहाँ पे फिर से सेम, ओ हो हो अभी तो फील्डर के हाथ पे गया बॉल, फिर से 2 रन ले लिया है और अभी एक गेंद और 6 रन चाहिए, 6 रन करना ही पड़ेगा आखिरी गेंद पे। चलो देखते हैं यहाँ पे कॉनवे अपना लाजवाब कमाल दिखा पाते या नहीं लास्ट गेंद पे। और यहाँ पे स्टंप पे बॉल है और यहाँ पे एक गेंद था और 6 रन चाहिए था और 6 रन मार दिया है और आखिरी गेंद पे 6 के साथ न्यूजीलैंड मैच जीत जाता है वेस्ट इंडीज़ के साथ। तो अगर आपको मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे आप खुशी देख सकते हैं न्यूजीलैंड की टीम का, यहाँ पे अकेले बंदे ने पूरा मैच जीता है। तो बस यही था आज का मैच, तो इसी तरह के हाइलाइट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।